कर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और इस सप्ताह होली है तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होलिका के साथ ही आपके सारे दुख और संताप जो है वो भी भस्म हो जाए और आपके जीवन में हर सुख भरा रंग जो है वो भर जाए। इसके साथ ही ये सप्ताह क्या लाया है खास आपके लिए, आइए जानते हैं सिर्फ इस बार के हैप्पी स्कोप पर ओनली ऑन धर्मा लाइफ। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एरीज यानी कि मेष राशि, इस सप्ताह आप कुछ फैसले लेने से बचें। इस सप्ताह आप खुद में एक गुस्सा या चिंता जो है उसे महसूस कर सकते हैं तो ध्यान दें। धन से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत समझदारी दिखाइएगा तभी आपको लाभ मिलेगा। ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत का या कहीं पर भी निवेश करने के लिए उपयुक्त और बेहतर जो है योग दर्शा रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो वो आपको अच्छा लाभ देगा। साथ ही साथ सेहत में भी गिरावट जो है वो थोड़ी सी आ सकती है तो ध्यान दीजिएगा। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हालांकि किसी भी प्रकार का लोन जो है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में सोच सकते हैं। हाँ, अपनी आर्थिक स्थिति जो है उसको भी आप इस सप्ताह सुधार पाएंगे। इस सप्ताह कई ग्रहों का गोचर होने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां लौट कर आएंगी। हालांकि उससे पहले आपके परिवार में वृद्धि होने की भी संभावना दिख रही है। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी बनाए रखेंगे जिसके कारण आप परिस्थितियों का डटकर सामना कर पाएंगे। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, इस सप्ताह आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत हो सकती है तो जरा ध्यान दीजिएगा। इस सप्ताह आपको कोई बड़ा धन लाभ जो है वो हो सकता है तो निवेश को बेहतर प्लान करके आगे बढ़ें। पारिवारिक जीवन में आपके खुशहाली जो है वो आएगी। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे या बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे थे, हायर स्टडीज का सोच रहे थे, तो इस समय संभावना ज्यादा अनुकूल है आपके लिए। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों की मदद जो है वो भी लेनी पड़ सकती है, समर्थन जो है वो लेना पड़ सकता है। कैंसर यानी कि कर्क राशि, ये सप्ताह आपका काफी बेहतर रहने वाला है। आर्थिक पक्ष के लिहाज से ये समय आपको बेहतर दिशा और अवसर जो है वो प्रदान करने वाला है। साथ ही साथ आपको पैसे बचाने या फिर संचय करने में ना अपनों का साथ जो है वो भी मिलेगा। इस सप्ताह काम को लेकर आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की थोड़ी सी कमी जो है वो देखी जाएगी। आपके अंदर ऊर्जा की जो कमी देखी जाएगी इसकी वजह से आप एक काम जो है वो जरूर करें कि इसको वापस अपनी ऊर्जा को पाने के लिए कोई किताब जो है अच्छी सी उसको जरूर पढ़ें या फिर अपना पसंदीदा म्यूजिक जो है उसे सुनकर डी-स्ट्रेस हो। बेहतर सेहत का आनंद आप तभी ले पाएंगे। लियो यानी कि सिंह राशि, इस सप्ताह आप मानसिक तौर पर तनाव जो है वो महसूस करेंगे तो थोड़ा रेस्ट जरूर कर लीजिएगा। आपको इस सप्ताह में धन का अभाव जो है वो हो सकता है जिसके कारण आप कहीं नए अवसरों से पीछे ना छूट जाएं। दोस्तों और परिवार के साथ ये समय बिताएंगे आप तो आपके लिए बेहतर रहेगा, इससे आपको लाभ जो है वो भी मिलेगा। आपको अपने घर में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय अपने दिमाग में अहंकार को बिल्कुल ना आने दें वरना आपकी सफलता जो है वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। सेहत को ध्यान में रखकर थोड़ा सा आराम जरूर कीजिएगा और पौष्टिक आहार लीजिएगा। वर्गो यानी कि कन्या राशि, इस सप्ताह आपको अपनी सेहत पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। करियर में ऐसे मौके आएंगे आपकी तरफ जिनसे आपका भविष्य जो है वो और भी ज्यादा बेहतर और सुरक्षित हो जाएगा। व्यापार में इस सप्ताह भाग्य का साथ जो है वो मिलेगा आपको। इस दौरान पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे आप। जो बात बीत गई उसको भूल कर आगे बढ़ने में ही आपके लिए समझदारी है। अपनी पिछली गलतियों से सीखें और तभी आने वाला समय जो है उसको आप बेहतर बना पाएंगे। शिक्षा में अच्छे परिणाम जो है वो मिल सकते हैं आपको इस दौरान। लिब्रा यानी कि तुला राशि, इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो हो सकती है। इस सप्ताह आर्थिक जीवन में भी उतार चढ़ाव जो है वो आपका रहेगा। व्यापार के लिए किसी भी नए इंसान पर भरोसा जल्दी ना करें। ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक जो है वो हासिल कर पाएंगे तो कामयाबी के लिए पीछे बिल्कुल ना हटें। कामयाबी आपके पास जरूर आएगी और तरक्की भी। पिता के स्वास्थ्य में जो है थोड़ा सुधार हो सकता है अगर आप उसके लिए चिंतित थे तो। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आप खुद के लिए समय निकाल पाएंगे। मौके का फायदा उठाकर ही आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। अधिक धन कमाने का प्रयास जो है वो जरूर करें मगर सही काम और सही संगत में रहकर ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अपने काम से काम नहीं रखेंगे और किसी तरीके का उल्टा सीधा निवेश करते हैं तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ खराब संगत में बिल्कुल ना पड़े, इससे आपका स्वास्थ्य जो है मानसिक और शारीरिक दोनों ही खराब हो सकता है।
सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, इस सप्ताह आप अपनी मानसिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। करियर के लिहाज से आपके लिए नए मौके जो है वो आएंगे, साथ ही व्यापार में भी आपको ना हर परिस्थिति में लाभ मिलने की आशंका दिख रही है। इस दौरान धन आपका जल्द ही बढ़ेगा। इस दौरान आपको कुछ मानसिक चुनौतियां जो है वो जरूर मिल सकती हैं। स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार संग समय जो है वो अच्छा बीतेगा आपका। मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा नेचर में समय बिताइए। केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही बेहतर रहने वाला है। करियर में खास अपने सीनियर्स जो है उनसे आप बना कर चलें। कोई भी विशेष निवेश करने से पहले अपनी ओर से एक्सपर्ट्स की सलाह जो है वो जरूर ले लें। व्यापार में आर्थिक नुकसान भी हो सकता है इस दौरान, जिसका आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। माता पिता को इस सप्ताह में आर्थिक सहयोग जो है वो दें आप। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो उन लोगों को लाभ मिलेगा इस दौरान। सेहत के हिसाब से सब कुछ ठीक। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, इस सप्ताह आपको भाग्य का साथ जो है वो मिलेगा। करियर में आपको काफी सराहना मिलेगी। व्यापार में है तो आपको पैसों की कमी जो है वो नहीं होगी इस सप्ताह। साथ ही आप लाभ देने वाले मित्र जो है वो भी बनाएंगे, जिनके साथ मिलकर आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट हैं तो कठिन मेहनत करें और जरूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें। मेहनत के अनुसार ही आपको काम जो है वो करना है। सेहत के हिसाब से आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। पाइसिस यानी कि मीन राशि, आपका आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा इस सप्ताह। करियर में है तो चेंज का मौका जो है वो आपको मिल सकता है। व्यापार में है तो धन अर्जित करने के भी कई मौके जो है मिलेंगे आपको। हफ्ते की शुरुआत जो है विद्यार्थियों के लिए काफी बेहतर रहेगी और फिर अंत तक आप सामान्य से काफी अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर पाएंगे। हालांकि उसके बाद आपको कुछ घरेलू मुद्दों के कारण छोटी मोटी चुनौतियां जो है उनसे गुजरना पड़ सकता है। प्रेम संबंध ठीक रहेंगे। किसी नए रिश्ते को जोड़ने से पहले थोड़ा सा समय ले लीजिएगा। सेहत के हिसाब से थोड़ा पेट का ख्याल रखिएगा।